रास्ते भी थे पति हाँ। और सुई भी दिए थे, इंजेक्शन भी दिए थे हाँ। और सिक्कर कोर में भी बांधा जाता था क्या घर में हाँ। हाँ। क्या क्या होता था ससुराल में आपके साथ? मार बांध दिए, मार के बांध दिए थे हाँ। और जो है बाकी हाथ में देखिए कि किस तरीके से बाल जो है पूरा एकदम बाल आ गया है, और हाथ का स्थिति देखिए कि कितना पतला हो चुका है, एकदम लग रहा है कि खाने के बिना जो है स्थिति खराब हो गई, और बिस्कुट पे कई दिनों तक कई महीनों तक ये जिंदा रही हैं। वो बोलते थे मर जाओ हाँ। क्यों मर जाओ बोलते थे? जिंदगी इसके साथ हुई है, मतलब रो दे रहा है मन, इस तरीके की दर्दगी हुई है। अब देख उसका भाभी के साथ अफेयर था, ठीक है, माने इनके पति का जो है भाभी के साथ अफेयर था जी, अफेयर था वो मेरी बहन अपनी अपने भाई की पत्नी के साथ जी अफेयर था हाँ। और मेरी बहन ये सब जानती थी, वो सोचे कि ये सब किसी को बताए ना, मतलब ये सब यहाँ से जाने के बाद एक साल हमसे बात भी नहीं कराए जो है, ये पाइप जो है ला के जो है बाथरूम के लिए जो है ये किया गया है, और ये देखिए कि क्या स्थिति है भाई, क्या कि हमारी लड़की के साथ अब किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, बस आँख से दिखाई भी नहीं देता आपको? हाँ नहीं, आँख से नहीं दिखाई दे रहा अब? नहीं, बेहोश कर देता था आपको? हाँ नहीं। पानी उनी देता था कि नहीं, कि प्यासे प्यास भी लगता था आपको बीच बीच में? पानी मरता था, मरता था पानी मांगने पे हाँ। ये लड़की ना निर्भया है और ना ही मणिपुर वाली लड़की है, लेकिन इस लड़की की कहानी जब आप सुनिएगा, दरिंदगी की हैवानियत जब आप सुनिएगा, तो आपकी रूह कांप जाएगी। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत। अभी हम जो हैं बक्सर के रघुनाथपुर में हैं, और ये दृश्य जो है इस लड़की का जो चेहरा आप जब देखिएगा, तो इसके चेहरे पे बाल हैं, इसके चेहरे पे बाल के साथ साथ इनके हाथ पे बाल है, पूरे शरीर में बाल फैला हुआ है, और ये हैवानियत इसके पति ने किया है, जो पति कहलाता है, श्री राम भगवान की दुहाई दी जाती है, पति परमेश्वर कहलाते हैं, लेकिन जिस तरीके से पति ने हैवानियत की शर्मसार पार की है कि पूरा का पूरा जग अब जो है शर्मिंदा है। तो चलिए हम बात करेंगे इस लड़की से, अभी जो स्थिति में है बहुत दयनीय स्थिति में है, अब इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी हाँ। आपका घर कहाँ पे है? उरंदगर। अच्छा, ये आपका शादी कितने साल पहले हुआ था? पता नहीं है हमको, शादी का पता नहीं है। पति टॉर्चर करते थे हाँ, मारते भी थे पति हाँ, और सुई भी दिए थे, इंजेक्शन भी दिए थे हाँ, और सिक्कर कोर में भी बांधा जाता था क्या घर में हाँ। हाँ। क्या क्या होता था ससुराल में आपके साथ? मार बांध दिए, मार के बांध दिए थे हाँ। और जो सासू माँ थी वो कुछ नहीं बोलती थी जब पति टॉर्चर करते थे तो? नहीं। ये स्थिति जो है, ये स्थिति देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा चेहरा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा पास लेके आइए, देखिए कि पूरा का पूरा जो है ये अभी जो है इनका पूरा चेहरे पे बाल था, और ये बाल को डॉक्टर ने बोला है तो रिमूव किया गया है, बाकी हाथ में देखिए कि किस तरीके से बाल जो है पूरा एकदम बाल आ गया है, और हाथ का स्थिति देखिए कि कितना पतला हो चुका है, एकदम लग रहा है कि खाने के बिना जो है स्थिति खराब हो गई, और बिस्कुट पे कई दिनों तक कई महीनों तक ये जिंदा रही हैं। ये बिस्कुट खा के, माने हैवानियत देखिए, क्रूरता देखिए उस पति की, जिसने इन्हें बिस्कुट पे जिंदा रखा, सिर्फ जिंदा नाम का रखा, मार ही दिया था उसने, और ये देखिए कि किस तरीके से फोरी फून से जो है, और शरीर की स्थिति देखिए कितना पतला शरीर हो चुका है। अब हम लोग जब इस रिपोर्ट को जब हमने देखा और रूह कांप गई, तो हमें लगा कि ऐसी हैवानियत हमने आज तक नहीं देखी है, आज भी आँख से आंसू आ जाएंगे जब ऐसी महिलाओं को देखिएगा जो आपके बिहार की है, जो आपके देश की बेटी है, और उस बेटी के साथ ऐसा होता है, कहाँ नारा लगता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कहाँ बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। अब बताइए कि सरकार और प्रशासन क्या कर रही है। अच्छा, आप घर पे रहती थी तो कुछ बोलता भी था, लोग दहेज वहेज के लिए भी मांगता था? पति क्यों लड़ाई करते थे आपके साथ? कि तुम इसके चल जाओ, तुम चल जाओ, तुम मर जाओ। वो बोलते थे मर जाओ हाँ। क्यों मर जाओ बोलते थे? वो हमसे बहुत परेशान थे, वो हमसे बहुत दिक्कत थी। अभी भी देखिए रैशिंग जो है वो हो रहा है, और इचिंग जो है हो रहा है, क्या स्थिति है
बहुत मतलब आँख को और रूह को दोनों को कपा देगी, इतनी दर्दगी इसके साथ हुई है, मतलब रो दे रहा है मन, इस तरीके की दर्दगी हुई है। आप देखिए ना चेहरा भैया, पूरा का पूरा फुंसी हो गया है इस बेटी के साथ। क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या मतलब लोग क्या सोचते थे कि इनके भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? विकास कुमार मिश्रा। विकास जी, आपकी बहन है ये ना? जी हा? जी। बहन को जब शादी किए होंगे तो एक अरमान लेके शादी किए होंगे कि बहन जा रही है, विदाई हो रही है, तो एक अच्छे परिवार में जा रही है। क्या हो गया फिर? मेरे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं किया, बस वो बर्बाद कर दिया है, तो क्या बोले, उस पर क्या शब्द लागू हो सकता है। अब उसके साथ मतलब जो इंसान करोड़ों का मालिक हो, जिसके पास इतना पैसा हो, करोड़ों का मालिक है इसका पति, इनका पति, करोड़ों क्या मतलब 4-5 करोड़ का मालिक है वो। हाँ। जी तो वो, और फिर उसके बाद ये स्थिति, उसको उसका भाभी के साथ अफेयर था, ठीक है, माने इनके पति का जो है भाभी के साथ अफेयर था। जी अफेयर था, वो मेरी बहन अपनी अपने भाई की पत्नी के साथ। जी अफेयर था। हाँ। और मेरी बहन ये सब जानती थी, वो सोचे कि ये सब किसी को बताए ना, मतलब ये सब माने बहन को आपको टॉर्चर करता था कि तुम कहीं बोलना मत, हम अफेयर रखेंगे रखेंगे, भाई तुमको रखना है रहो, नहीं रहना है तो तुमको टॉर्चर करके मार देंगे, ये स्थिति है। प्लानिंग यही किया था सब, और हम लोग 2.5 साल अपनी बहन को घर पे रखे थे जब मारपीट किया था, तो सोचा कि धीरे धीरे सब सुलझ जाएगा मैटर, मगर सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद वो 2.5 साल के बाद यहाँ, 1 साल पहले 22 में इसका विदा हुई यहाँ से, उसके बाद ये ससुराल छोड़ के भिहटा चला गया, उसके बाद मेरा फ़ोन ब्लॉक कर दिया, मैंने फ़ोन से कॉन्टेक्ट किया, मैं फ़ोन से कॉन्टेक्ट किया तो मतलब कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिला। और उसके बाद जब हम 4-5 महीने बाद क्लास किए तो इस अवस्था में हमको मिली, और थाना को भी शुरू से मैनेज कर लिया, क्योंकि थाना अगर सही रहता तो पैसा वाला है, मैनेज तो हो ये ना जाएगा, यही तो करप्शन का जड़ है। अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो ऐसी ऐसी बेटियां जो है इस हालात में, अरे मूर्ख, अगर तुम नहीं कर सकते हो कार्रवाई तो फिर तुम्हारे जैसे लोगों को वर्दी खोल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी बेटियां जो है, ऐसी ऐसी बहू जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं, और ऐसी ऐसी बहुओं को और बेटियों को जो है इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, सुई दिया जा रहा है। ये ऐसे ही बाल नहीं आ गया है, भालू जैसे जैसे बाल आता है उस तरीके से बाल आया है, तो सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, गलत डोज, गलत दवाइयाँ, और उसका रिएक्शन, वो रिएक्शन हुआ है, और सुई देने के बाद, दवाइयाँ देने के बाद पता नहीं वो किस तरीके से कौन कौन सी दवाइयाँ देकर इसे मारने की कोशिश की गई। और देखिए यहाँ पे माँ है इनकी, माँ है आप? सुजाता मिश्रा। सुजाता मिश्रा। सुजाता मिश्रा। हाँ हाँ। अच्छा क्या चाची जी, किस तरीके से, क्या आपको पता चला, कब पता चला ये सब जो घटना हुई, किस तरीके से पता चला? ये तो यहाँ से विदाई करा के हम लोग को भेजने का इच्छा मन नहीं था, ठीक है ना, लेकिन ये लड़की पे भी पर मैंने कि 4 साल शादी हो गए थे, 3 साल तक यहीं पे रही थी, फिर 1 साल जो है वो गई वहाँ पे। हाँ, एक साल जब ये आई है, इसका इसके बाद इसका हालत इस तरीके से हो गया है। यहाँ से वो हम लोग भेजते नहीं थे, वो ले गए कि उनके बोले, आप लोग भी डरते थे क्या भेजने से? हाँ, हम लोग डरते थे, वो बोले क्या वैसा मतलब नहीं होगा, गलती होगा, एक बार हमको मौका दीजिए, हम अच्छा से रखेंगे। ये सब मोहल्ले वाले सब लोग जानते हैं, मेरी भी इच्छा नहीं थी कि हम आए थे ले जाने के लिए आपकी बेटी, इनके पति आए थे। पति आए थे? हाँ। पति क्या करते हैं इनके? पति कुछ नहीं करते, घर घर जमीन जायदाद है सब। जमीन जायदाद? जमीन जायदाद। बताइए कि जब पति लेके गए तो वो ऐसा क्यों टॉर्चर कर दिया इस तरीके से कि इनके साथ ये हो गया? वो टॉर्चर कर देते हैं, उनकी एक उनकी भाभी हैं और यही मतलब संबंध है घर में, तो इस तरीका से टॉर्चर, ये सब बात हम लोग को पता था, फिर भी बोले कि शादी किए हैं, लड़का है, लड़की को तो रखेंगे नहीं, शादी किए हैं तो लड़की दूसरे घर तो भेजेंगे ही, शादी किए हैं तो हम, अच्छा हम लोग हैं ब्राह्मण, अपना भी इज्जत प्रतिष्ठा कुछ है, जाने के बाद भी लड़की को भेजे कि चले अच्छे से रखेंगे। उसके बाद हमसे यहाँ से जाने के बाद 1 साल हमसे बात भी नहीं कराए हैं लड़की को, हमसे बात उनका जिम्मेवारी था कि वो बात करा, हमसे बात भी नहीं करा। उसके बाद हमसे लड़की कुछ बोल भी सकती थी, उसके बाद अच्छा बीच में लड़की से बातचीत होती थी कि नहीं? हमसे कुछ बात ही नहीं हुई लड़की। कैसे पता चला कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है, उसके बाद आप गई और लेके आई? कैसे पता चला, ये इनके पापा ये लोग जानते, पता लगाएं, ये सब पता चला, इसे पता चला, हम पता हम घर में बोलते थे कि हम क्यों लड़की में आप लोग लेके आई थी इनको? हम नहीं लेके आती, इनके पापा ये ले आते। जब आई थी ये तो क्या अवस्था था उनका, क्या ज्यादा तबियत, हम तो हॉस्पिटल में, इनको हॉस्पिटल में इस लड़की को हम देखे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे पापियों को किस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए उनको, तो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, जैसे फांसी नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? की सजा मिलनी चाहिए जैसे हमारी लड़की के साथ हो किए हैं, वो तो एक तरीका की फांसी ही ना दिए हमारी लड़कियों को, कितना बड़ा दंड दिए हैं इस लड़कियों को, किससे भी ज्यादा क्रूरता है, जिंदे जिंदे मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं वो इनको, वो इतना सेवा के बाद इसको तो आँख खोली है ना, तो इसका तो चेहरा गजब लग रहा था।
ये जो दुख है हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो है ये पाइप जो है ला के जो है बाथरूम के लिए जो है ये किया गया है, और ये देखिए कि क्या स्थिति है भाई, क्या दुर्दशा है इस औरत की, जो कि एक पति की पत्नी होगी, जो पति जो है नाम कमा रहा होगा, जो पति जो है वो चाह रहा होगा कि भैया मेरी पत्नी जो है, कहावत कहा जाता है कि बिहार और देश में पति जो होते हैं पति परमेश्वर कहलाते हैं। अच्छा ये पति परमेश्वर कहलाने लायक है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो शादी करके पछता रहे हैं कि लड़कियों के क्या किए हम। शादी तो पूरा धूमधाम से की, बहुत धूमधाम से की है शादी, जो समाज जो लोग देखे ही हैं। अब यही बात है कि हमारी लड़की के साथ अब किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, बस ऐसी सजा मिले कि और किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। अब किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, हमारी लड़की के साथ तो हो ही गया लेकिन अब किसी लड़की के साथ ऐसा। के आंख में आंसू है और भावुक है, और ये भावुकपन जो है आंख में आंसू जो है ये क्रूरता की निशानी दे रहा है, ये बता रहा है कि भारत में ऐसे भी पति होते हैं जो कि अपनी पत्नी के अलावा गैर वाइफ के साथ अपनी भाभी के साथ, यानी कि भाभी को माँ का दर्जा मिलता है, उसको गलत नज़र से रखते हैं और गलत नज़र से रखने के बाद अपनी पत्नी को इस तरीके से क्रूरता का निशानी देते हैं। देखिए किस तरीके से ये रो रही है, और पूरा का पूरा शरीर जो है बाल में है, बाल पूरा का पूरा शरीर में हो गया है पूरा। क्या क्या हो रहा है आपको, दुख भी रहा है, दर्द भी है? आँख से दिखाई भी नहीं देता आपको? हाँ नहीं, आँख से नहीं दिखाई दे रहा आप? नहीं। बेहोश करके रखता था क्या? हाँ बेहोश कर देता था आपको? हाँ। उसके बाद जो भी करता था? हाँ। खाना क्या मिलता था, बिस्कुट मिलता था क्या, और खाने के लिए भी कुछ मिलता था? बिस्कुट, सिर्फ बिस्कुट ही मिलता था? हाँ। और खाने के लिए कुछ नहीं देता था? नहीं। पानी उनी देता था कि नहीं, कि प्यासे प्यास भी लगता था आपको बीच बीच में? पानी मारता था, मरता था पानी मांगने पे? हाँ। हे भगवान, ये दृश्य देख के, ऐसी क्रूरता का देख के मन कांप जाता है, रूह कांप जाता है। भैया अब आप लोग बताइए कि ये जो स्थिति है क्या स्थिति है। अच्छा सुई उई सब देता था इसको? इसको इंजेक्शन दिया गया है, इसके स्पाइनल और ब्रेन में मारा गया है, और स्पाइनल में रीढ़ की हड्डी में मारा गया, नस ब्लॉकेज हो गया है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि सिचुएशन बहुत मतलब क्रिटिकल हो गया है, चांसेस तो कम है बट दवा कराना है, और दवा थोड़ा मतलब महंगा आ रहा है मगर हम लोग करवा रहे हैं, दवा बहुत महंगा आ रहा है। कुछ कार्रवाई वाई नहीं की है, केस उसकी है कि उस पर किए हैं? उस पर नहीं ना होगा, मान लीजिए इतना पैसा हुआ है तो इतना उसके पास पैसा है तो मैनेज नहीं कर लेगा। हाँ ये जगह एसपी साहब का बोल रहे हैं कि जहाँ चलेगा मतलब इस पर फिर से कार्रवाई होगी, एसपी साहब का हेल्प है, हो सकता है कुछ। मैं चाहता हूँ उन सारे सरकारों से और विपक्ष के नेताओं से, और खासकर जो भी बुद्धिजीवी हैं या जो भी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कि वो लोग अपने तरफ से योगदान दे, सहयोग करें और इस बेटी को बचाए। दूसरी तरफ जो भी इसका पति है जो निर्दयी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा करवाने में वो सभी अमल हो, और जिस पुलिसकर्मी जिस पे भरोसा है इस परिवार को, जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसकी जो है इसको सजा जो है दिलवाया जाए, इसके पति को और जो भी उनके साथ क्रूरता किया है। खबर में इतना ही, आप देख रहे थे आशा एक भारत, ये खबर जो है सचमुच रोंगटे खड़े कर रही है, और हम इसे बनाते हुए भी हमारे आँख में आंसू आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं कि हम भावुक होके आपको वो आंसू का जो आंसू है उसकी व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। खबर में इतना ही, आप देख रहे थे आशा एक भारत, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, खबर को खूब सारा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जानकारी दीजिए कि ऐसे ऐसे क्रूरता जो हो रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। जय हिंद जय भारत।